कश्मीर दुनिया भर में अपने हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ अखरोट की लकड़ी पर की जाने वाली नक्काशी भी घाटी की कला और कौशल को विशेष रूप से प्रदर्शित करती है। जीवन में प्रौद्योगिकी की गति बढ़ने के कारण हाल के वर्षों में हस्तशिल्प व्यवसाय को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये 68 वर्षीय कलाकार गुलाम नबी डार के जुनून को कमजोर नहीं कर सका, जो अभी भी कश्मीर घाटी की इस परंपरा के रक्षक बने हुए हैं। लकड़ी की नक्काशी करने वाले गुलाम नबी डार श्रीनगर के सफा कदल क्षेत्र में रहते हैं। बहुत लोग हैं जो काम करते हैं, मतलब इस वक्त बहुत उरूज पर है ये काम श्रीनगर में, मगर वही रफ काम जो मतलब इस काम ये जो आप देख रहे हैं ये आप कहीं नहीं देखेंगे। आप इस वक्त तो अच्छा चलता है, मगर ये जो जो मेरे सामने है, जो मैं काम करता है, ये जो मैंने सीखा है, तो उसका तो गवर्नमेंट ने तो कुछ ध्यान नहीं दिया। मतलब मेरे जैसे कारीगर बहुत थे, आज इस दुनिया से चले गए, आज ये बीमार है, आज ये बूढ़े हो गए हैं, कोई ध्यान नहीं दिया है, मतलब ये आगे बढ़ जाए। अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने के बाद डार ने 10 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। 25 साल की अवधि में वे इसके मास्टर बन गए। मैं आ गया तो 5 साल इस उस्ताद के पास में गया, मगर उस्ताद के पास में शाम 7 बजे तक काम करता था। 7 बजे के बाद मैं घर में बैठता था कम से कम 1 बजे रात तक, 1.5 बजे रात तक मैं वो काम सीखनी सीखता था, ट्राई करता था मैं इसमें कामयाब हो जाऊँगा, आता था कुछ भी नहीं। बहरहाल कोशिश हो रही वही लिखाई में भी और काम करने में भी। डार जैसे कई शिल्पकार युवा पीढ़ी को वो कौशल सिखाना चाहते हैं जो उनके पास है, लेकिन आजकल बहुत से लोग इस काम को सीखने के लिए उत्सुक ही नहीं है। गवर्नमेंट को कुछ मतलब ऐसा स्कूल खोलना चाहिए, बहुत से बड़ा स्कूल, जहाँ एक पढ़ा लिखा भी आएगा और जो ये रफ काम करने वाला भी आएगा, दो ग्रुप बनना चाहिए। अगर उनको 5 साल ट्रेनिंग दिया जाएगा तो उनका वजीफा होना चाहिए जैसा उनका घर चलेगा। वहाँ के नौजवान सीखना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। जैसे मैं इस वक्त बोलता है बहुत सारे लोगों को, मेरे पास आओ मैं सिखाऊंगा, मैं लिखाई करता है उनको, मैं देते हैं अपने लिख कर उनको पर्चा देते हैं, ऐसा काम करो, मगर वो जुरत नहीं करते। कारीगरों के संबंध में श्रीनगर जिला कश्मीर को एक अलग पहचान देता है। कश्मीर में इस्लाम के संस्थापक मीर सैयद अली हमदानी और उनके सैकड़ों साथियों ने 7 शताब्दी पूर्व कश्मीर में हस्तशिल्प पेश किया था, साथ ही एक आर्थिक मॉडल भी पेश किया था। गुलाम नबी डार जैसे लोगों ने इस हस्तशिल्प को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब ये युवाओं पर निर्भर है कि वे इस शिल्प को सीखें और भावी पीढ़ियों तक इसे पहुंचाने के लिए काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।